दोस्तों, आरके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेथिंग मैथमेटिक्स के अंदर डिवीजन का एक नया मेथड, जिसका नाम है दोजांग मेथड, वो सीखेंगे। इसके पहले अपन निकेलम और परावर्ती युजत मेथड सीख चुके हैं, तो ये शुरू करते हैं दोजांग मेथड। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। दोजांग मेथड में भी क्या करना है, आपको दो कॉलम्स बनाने हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर अपने होगा लिखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर डिवीजन लिखना है। डिवीजन को लिखने का मतलब ये है कि एक डिजिट को ऊपर लिखिए, एक को नीचे लिखिए। और जो मैं जो डिविडेंड है, डिविडेंड के मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला डिजिट है इसको तो बोलते हैं मुख्यांक, मुख्यांक या मेन डिजिट। और जो ऊपर की तरह जो डिजिट लिखी हुई होती है उसको बोलते हैं दोजांग या फ्लैग डिजिट। तो जितने डिजिट अपन दोजांग में लेंगे उतने ही डिजिट अपने को थर्ड कॉलम में रखने हैं डिविडेंड के। तो डिविडेंड के जो एक डिजिट है ये 5, ये थर्ड कॉलम में रखेंगे और बाकी जो डिजिट है वो इस कॉलम में रख लेंगे, मिडिल कॉलम में। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट का कॉलम हो जाएगा और ये रिमाइंडर का हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले कॉलम में कोएफिशिएंट लिखेंगे और इस वाले में रिमाइंडर लिखेंगे। तो दोजांग के अंदर सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो तीन कॉलम्स बन जाएंगे अपने पास। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें डिविजन लिखना है, डिविजन में भी एक डिजिट नीचे लिखना है और एक डिजिट ऊपर लिखना है। और अगर तीन डिजिट हो तो दो डिजिट अपने को नीचे लिखना है और एक डिजिट उसके ऊपर लिखना है ध्वज की तरह। जो ध्वज की तरह जो डिजिट लिखते हैं उसको दोजांग बोलेंगे या फ्लैग डिजिट बोलेंगे इंग्लिश में। और जो नीचे डिजिट लिखते हैं उसको मुख्यांक बोलते हैं या मेन डिजिट बोलते हैं। उस मुख्यांक से ही सारा डिविजन प्रोसेस किया जाता है और दोजांग अपने पास न्यू डिविडेंट और करेक्टेड डिविडेंट निकालने के काम में आता है। तो दोजांग में जितने डिजिट लेने हैं उतने ही डिजिट अपने को थर्ड कॉलम में रखने हैं डिविडेंट के, और जो बाकी बचे हुए डिजिट से डिविडेंट के वो मिडिल पार्ट में रखने हैं, मिडिल कॉलम में रखने हैं। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब इसको प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन मैंने कहा था कि जितना भी डिविजन शुरू करना है मतलब मुख्यांक से डिविजन शुरू करना है। तो सबसे पहले 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है। तो 12 डिवाइड बाई 9 फर्स्ट स्टेप हो जाएगी अपने पास। 12 डिवाइड बाई 9 कितने टाइम डिवाइड होगा, 9 1 9, तो क्वेश्चन आ गया 1। और रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास इसमें, 12 में से 9 माइनस करो तो रिमाइंडर बच गया 3। इस 3 को 12 के आगे लिखिए, यहाँ पे ये हो गया 33। 3 को 12 के आगे लिखिए तो न्यू डिविडेंड, जो नया डिविडेंड है अपने पास वो आ गया 33। अब इसके अंदर करेक्टेड डिविडेंड निकाला जाता है। करेक्टेड डिविडेंड निकालने का मेथड क्या है, न्यू डिविडेंड में से क्वेश्चन को दोजांग से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो क्वेश्चन का डिजिट 1, दोजांग भी 1 है, तो 33 माइनस 1 अपने पास आ गया 32। अब करेक्टेड डिविडेंड को फिर से डिवाइड करना है, तो 32 को फिर से डिवाइड कीजिए 9 से, 32 डिवाइड बाई 9 अब की बार डिवाइड होगा 3 टाइम, क्वेश्चन की जगह 3 लिख दीजिए यहाँ पे। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 3 27 5 बच जाएगा, तो रिमाइंडर की जगह 5। इस रिमाइंडर को यहाँ लिखिए, तो न्यू डिविडेंट आ गया अपने पास 54। तो न्यू डिविडेंट आ गया अपने पास 54। अब करेक्टेड डिविडेंट निकालेंगे, करेक्टेड डिविडेंट निकालने का मतलब मैंने क्या बताया आपको, 54 माइनस जो सेकंड डिजिट आया क्वेश्चन का उसको दोजांग से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो 54 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 54 में से 31 माइनस कीजिए तो आ गया 51। अब 51 को डिवाइड कीजिए, 51 को डिवाइड कीजिए 51 डिवाइड बाई 9 कितने टाइम डिवाइड होगा, 9 5 45 टाइम डिवाइड हुआ। और रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास, 6 9 5 45 तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और रिमाइंडर बचा 6 6 को यहाँ लिख दीजिए। तो न्यू डिविडेंट अपने पास हो गया 65। अब लास्ट डिजिट के नीचे नंबर आ चुका है तो अपन फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। फाइनल रिमाइंडर निकालना अपने को, फाइनल रिमाइंडर को शॉर्ट में मैं FR लिख रहा हूँ। फाइनल रिमाइंडर 65 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, तो 65 में से 5 माइनस कर दीजिए 60, तो फाइनल रिमाइंडर आ गया 60। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर हो गया 135 क्वेश्चन आ गया और 60 रिमाइंडर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। एक मेथड और सुनता, तो मैं आपको एक एग्जांपल और लिख रखा मैंने, 592837 डिवाइड बाई 119। इसके लिए भी 2 कॉलम्स बनाइए इस तरीके से, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट कॉलम के अंदर अपने को डिविजन लिखना है, डिविजन में भी क्या करना है, 119 है तो उसका 11 है वो तो मुख्यांक लेंगे और 9 दोजांग लेंगे, मतलब दोजांग हमेशा एक ही डिजिट में लोग से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लिख लो इसको 11 और ऊपर 9 तो क्या है, फ्लैग डिजिट, 9 है फ्लैग डिजिट या दोजांग, और 11 क्या है, 11 है मुख्यांक। इस डिजिट को अपन ध्वज की तरह ऊपर लगाते हैं इसलिए इस मेथड का नाम दोजांग है इसको, और इसको फ्लैग डिजिट या दोजांग बोलते हैं। नीचे वाले डिजिट को मुख्यांक बोलते हैं, मेन डिजिट बोलते हैं। अब मैंने बताया आपको कि एक डिजिट तो अपने को लास्ट कॉलम में लेना है डिविडेंड का, और रिमेनिंग डिजिट सारे सेकंड कॉलम में मिडिल पार्ट में लिखने हैं। तो 7 मैंने यहाँ लिख दिया और बाकी डिजिट सारे यहाँ पे लिख दिए, 592 83। उसके बाद मैं लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली तो ये क्वेश्चन का कॉलम हो गया और ये रिमाइंडर का कॉलम हो गया।
अब स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अपन 59 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 को डिवाइड 59 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो देखिए 59 डिवाइड बाई 11 कितने टाइम होगा, 11 5 या 55, 5 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा 4। मतलब क्वेश्चन आ गया अपने पास 5 और रिमाइंडर आ गया 4, क्वेश्चन आ गया 5 और रिमाइंडर आ गया 4। तो न्यू डिविडेंड कितना हो जाएगा 4 को यहाँ लिखेंगे तो 42, तो न्यू डिविडेंड हो जाएगा अपने पास 42। अब करेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे, करेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे तो 42 माइनस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की जगह क्या लिखता 5, क्वेश्चन की जगह मैं लिखता 5, तो 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 तो ये हो गया 42 माइनस 45, तो ये तो माइनस 3 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, ऐसे आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है अपने पास, नेगेटिव वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस 3, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब नेगेटिव वैल्यू अगर अपने पास आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं। 11 से 59 कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपन 4 टाइम ही डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि 5 टाइम डिवाइड करने से नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो एक स्टेप पीछे चले जाइए। तो अब यहाँ पे अब क्वेश्चन अपन 5 की जगह 4 ले लेंगे, मतलब 4 टाइम डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो 11 4 जा 44, 59 में से 44 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा अपने पास, तो रिमाइंडर आ गया 15, तो रिमाइंडर की जगह यहाँ पे 15 लिख दीजिए, 15 लिख देंगे तो न्यू डिविडेंड 152 हो जाएगा, न्यू डिविडेंड हो जाएगा 152, न्यू डिविडेंड अपने पास आ गया 152। अब करेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे, तो करेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे तो 152 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 की जगह कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 9, तो 152 में से 36 माइनस करिए, 152 में से 36 माइनस करना है को 152 माइनस 36, तो 116 बचाएगा, 116। अब 116 को डिवाइड करेंगे, 116 डिवाइड बाय 11, 116 को 11 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो अपने को तो 10 टाइम हो रहा है, 11 10 10 होता है, ये भी कमी होता है 116 से, लेकिन मैक्सिमम डिवाइड अपने को 9 टाइम करना है, 1 डिजिट में डिवाइड करना है, तो 9 टाइम डिवाइड करेंगे, 11 9 99, तो यहाँ पे परसेंट की जगह 9 आ गया। 116 में से 99 माइनस करिए, 11 9 99 है ना अपने पास, तो 17, तो रिमाइंडर बच गया अपने पास 17, ये 17 यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हो गया न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड हो गया 178, न्यू डिविडेंड हो गया 178। करेक्टेड डिविडेंड निकालिए, करेक्टेड डिविडेंड निकालने के लिए क्या करोगे, जो न्यू डिजिट आया, जो क्वेश्चन का जो सेकंड डिजिट है उसको दबजांग से मल्टीप्लाई करिए और फिर माइनस कर दीजिए, तो 187 9 मल्टीप्लाई 9, तो 178 माइनस 81 माइनस करिए इसके अंदर से, तो कितना बचाएगा अपने पास 78 और 19 ये हो गया अपने पास 97 अपने पास करेक्टेड डिविडेंड आ गया। तो अब 97 को डिवाइड करिए, 97 डिवाइड बाई 11, 97 को 11 से करेंगे कितने टाइम जा रहा है, 11 एट जाए 88, 8 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो परसेंट आ गया 8, परसेंट की जगह लिख दीजिए 8 और रिमाइंडर की जगह लिख दीजिए, कितना बचेगा बताओ 88, 97 माइनस 88 11 बच जाएगा अपने पास, 97 माइनस 88 11 नहीं बचेगा ना, 97 में से 88 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास 9, तो 9 को यहाँ लिख दीजिए, तो न्यू डिविडेंड आ गया अपने पास 93, न्यू डिविडेंड आ गया 93। करेक्टेड डिविडेंड निकालिए वापिस, करेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा 93 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9, 93 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9, मतलब जो नया डिजिट आया क्वेश्चन का उसको दबजांग से मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाना है, तो 93 माइनस 72, 93 में से 72 माइनस करिए, तो ये हो गया अपने पास 21, तो करेक्टेड डिविडेंड आ गया 21। अब 21 को डिवाइड करिए, 21 डिवाइड बाई 9, 21 को 9 से डिवाइड कीजिए, तो अपने पास कितने बार डिवाइड हो गई 21 को, अगर अपन 9 से डिवाइड 11 से करना, सॉरी 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो अपने को डिवाइड तो अपन हमेशा डिवाइड तो अपन हमेशा इससे करते हैं ना, मेन डिजिट से करते हैं, तो 11 से करना है, तो 21 डिवाइड बाई 11 तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ क्वेश्चन की जगह 1 लिख दीजिए, और कितना बचेगा अपने पास रिमाइंडर, रिमाइंडर बच जाएगा, देखो 11 बन जाए 11, 21 में से 11 माइनस करेंगे तो 10, रिमाइंडर बच गया अपने पास 10, तो 10 यहाँ लिख दीजिए। अब अपन लास्ट वाले डिजिट के नीचे पहुंच चुके हैं, तो अब आगे अपने पास क्वेश्चन तोड़ नहीं आएगा, अब यहाँ पे जो फाइनल रिमाइंडर लाना है अपने को,
फाइनल एलिमेंट आ जाना अपने पास, तो न्यू डिविडेंड तो अपने पास हो जाता है 107, न्यू डिविडेंड 107 आ गया, तो फाइनल डिविडेंड निकालेंगे, फाइनल डिविडेंड कैसे निकालेंगे, 107 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 1 मल्टीप्लाई 9, तो 107 में से 9 माइनस कीजिए तो 98, तो फाइनल डिविडेंड हो गया 98, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 4981, तो क्वेश्चन हो गया 98 रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आज आपको दो एग्जांपल्स किए बताए आपको, और इस तरीके से आज एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेगेटिव वैल्यू आए तो एक स्टेप पीछे जाइए, और अगर डिवाइड नहीं होता है, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें डिवाइड नहीं होता, छोटा नंबर आ जाता है, तो फिर अपने को क्या जीरो लगाना है, जीरो लगा करके आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले अभी ये जो अधिक मास स्टार्ट हुआ 18 तारीख से, तो अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, हम सबको भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए, भगवद गीता रामायण जी इन सबकी पूजा पाठ करनी चाहिए, और बहुत सारे इसमें शुभ नक्षत्र आते हैं जिसके अंदर हम खरीदारी वगैरह और भी कई अच्छे काम कर सकते हैं, मतलब सगाई शादी इनके जो अपन रोकना बोलते हैं जिसको, वो काम भी अपन कर सकते हैं। और साथ में यह कि जो अंतर आता है वो अपन सूर्य और चंद्रमा के आधार पर, वो जो महीनों की दिनों की गिनती की जाती है, तो उसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है, तो 3 साल से यह अधिक मास आता है, तो यह अधिक मास है, इसमें यह दान पुण्य का मास है, अच्छे क्रम करने का मास है, और भगवान विष्णु की पूजा करने का मास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो में मिलते फिर आपसे एक नए मेथड के साथ। थैंक्स।